नैक्सट हैबिटेट अपनी है माउंटेनस। आ देखो इस पेंटिंग दे विच मैं तुहानू दिखा सकदी हां क्योंकि हुण तां आपां हुण पहाड़ां ते जा नहीं सकदे। तुसीं कदी गए होंगे तां देखोगे कदी तां नैणा देवी जां तुसीं वैष्णो देवी जांदे हो जां कदी पहाड़ां च वैसे घूमण जांदे हो तां उत्थे देखो तुसीं वड्डे वड्डे पहाड़ देखे होणे इदां दे। आ देखो वड्डे वड्डे पहाड़ उत्थे देखो दरखत किदां दे। आ देखो होम टाइप ने ना देखो इदां दे ठीक है। तो उत्थे जिहड़े एनीमल्स ने ओह किदां दे हुंदे होणगे इह वी मैं तुहानू दिखाउणी आ। आ देखो पहला तो असी यह दसना कि इतने ज़्यादातर किड़े किड़े इदा के जीव जाए जो रह रहे मेरे को लिखे हुए हैं माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन के देखोगे तो लैपर्ड चीते याक देखे होने गोट जो भेडा ने वो भी उत्थे पाई जाए ने और इन्हों ने बहुत वड्डी वड्डी जात होंगी है। हुण किहो जिहे हुंदे ने बेटे देखण विच इन थिक स्किन होंगी है। इन्हों की जिहड़ी स्किन है बहुत थिक होंगी है मोटी होंगी है और इन्हों के उत्ते बहुत थिक फर होंगी है। फर मतलब संघनी फर लंबे वाल होंगे ने इन्हों और स्ट्रोंग हूब्स होंगे ने इन्हों के जो पैरों के जो खुर ने वह बहुत मजबूत होंगे ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहाड़ों के उत्ते चढ़ना होंगे मजबूत खुर होंगे ने और होल बॉडी कवर्ड विद फर सारी की सारी बॉडी है जी उन्होंने फर नाल ढकी होंगी सारा शरीर फर नाल ढकया होंगे। आ देखो मैं थोड़ा इतने एक बुक के भी दिखाई हाँ देखो ये है बोट है। आ देखो उपर लिखा है बोट्स। आ देखो और देखो कितनी ज़्यादा फर है। आ देखो ईवन अखा भी ढकिया हुई ने। आ देखो खुर भी खुरां तक जी लत्तां भी पूरी फर नाल ढकिया होंगे ने बेटे। आ देखो जाग जाग देखो देखो थले तक कितनी ज़्यादा फर दिख रही है सारे। तो जिन्हें भी यह पहाड़ों के रहने वाले जीव जंतु ने क्योंकि उत्थे ठंड बहुत होंगी है बर्फ पैंदी है तो उन्होंने बचने के लिए इन्हों के उत्ते बहुत ज़्यादा वाल लंबे होंगे ने जां फर होंगी है ढके होंगे ने और इन्हों हूव्स ने मतलब खुर ने जोड़े वो भी बहुत मजबूत होंगे ने क्योंकि इन्होंने उत्थे पहाड़ों के उत्ते सख्त पहाड़ों के उत्ते चढ़ना होंगे ठीक है। तो है बटे एनीमल्स उस तो बाद जो प्लांट्स ने कि प्लांट्स उत्थे जोड़े पाए जाते हैं वो प्लांट्स ने जो कहो जो होंगे ने बटे। देखो थोड़ा दिखाने मैं उन्होंने कोन शेप होंगी है। देखो मैं तो पेंटिंग देखा होना तुम्हें देखो कोन टाइप मतलब उपरों आ देखो बहुत पतले और नीचे नोंद इदा जो ट्रैंगल बनते कोन बनते जिदा उदा का ये दरखत होंगे ने तो याद रखना कोन वर्गे होंगे ने और इन्हों दी स्लोपिंग ब्रांचिज होंगे ने। आ देखो जी इन्हें ब्रांचिज ने बटे आ देखो आ स्लोपिंग स्लोपिंग मतलब नीचे ना देखो इदा ता कि जो इन्होंने उत्ते बर्फ पैंती है तो वह फिसल के जल्दी तो जल्दी नीचे आ जाए तो पौधे के उपर ना रुके नहीं तो फिर की करेगी वह पौधा टुट जाएगा बर्फ के भार के ना इसलिए इन्हों जड़ियाँ ये स्लोपिंग होंगे ने और नीडल लाइक लीव्स इन्हों के जो लीव्स ने बेटे सूइया वर्गे होंगे ने। आ देखो मैं तुम्हें दिखाई है कि मैं दरखत का लैके आई सी पौधा तोड़ के। आ देखो किन्ने पत्ते जोड़े आ देखो सूइया वर्गे ने। आ देखो जे आप एक पत्ते देखिए आ देखो किन्नी बिल्कुल ही सूई वर्गा पौधा पत्ते ने इन्हों बेटे। आ देखो थोड़ा मैं दिखाई हाँ आ देखो लिख रहे बिल्कुल ही सूई वर्गा पत्ता। आ देखो जिदा नीडल होंगी नीडल लाइक पत्ते ने इन्हों बहुत बरीक पतले पत्ते ने ठीक है। तो इन्हों जे लीव्स ने होंगे ने पत्ते जड़े ने वो नीडल लाइक होंगे ने सूइया वर्गे पत्ते होंगे हैं। आ देखो कोण वर्गे पौधे तिरछियां शाखावां और पत्ते सूइया वर्गे और वुडी फ्रूट्स लकड़नुमा फल इन्हों के जो फल ने बेटे। आ देखो मैं लेके आई हाँ तुम दिखाऊंगी आ देखो इन जो फल ने इदा के लगते हैं ठीक है। और आह जी देखो उत्थे मैं आह ये गोट है जी उत्थे पाई जाती है पहाड़ी इलाकों के और इदा के जे जंतु ने यह सानू उत्थे माउंटेन एरिया मिलते हैं।